सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा शेयर के बारे में, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा उसमें कि चार्ट वाइज वो कैसा लग रहा है शेयर, और अगर हम कहना चाहें वो एक बहुत स्लो तरीके से बढ़ रहा है आगे कि हम उसे पहचान नहीं सकते। उस स्टॉक को बारे स्टॉक के बारे में उस स्टॉक जो उसका हाई था 700 के आसपास, उसने जो अपना लो बनाया वो करीब 2 रुपए का लो बनाया, वो अचानक ऐसे गिर क्यों गया? जो हमने देखा था कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तब वहां पर जो उसका शेयर प्राइस था वो 700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और जब वो क्राइसिस आया तो हमने देखा कि उसमें भारी गिरावट आनी शुरू हो गई और तब से वो गिरता रहा, और अब गिरने के बाद वो अपना एक हम समझ सकते हैं कि एक हायर टॉप बनाते रहता था पर वो 50 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता था वो शेयर। पर हमने देखा है कि इंडेसिवली उसने 50 के ऊपर यानी 50 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत स्लो मूवर है। और हर मंथ मतलब हम कह सकते हैं एवरी मंथ वो हमें 20% तक का रिटर्न बहुत ईजिली दे देता है। मैं अपना मनी कंट्रोल चेक कर रहा था तो वहां पर मैंने देखा था एक स्टॉक के बारे में, तो वो उन्होंने बताया था कि 5% वो हर मंथ इंक्रीज करता है, पर अगर हम चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं तो वो कंसिस्टेंटली 20% इंक्रीज करता है हर महीने। पर हम वो स्टॉक के बारे में ज्यादा नहीं जानते, अगर फंडामेंटली अगर हम किसी से पूछे कोई एनालिस्ट हमें बताए तो उस स्टॉक के बारे में हमें नहीं बता पाएगा क्योंकि कोई भी DII या FII उसमें ट्रेड नहीं करता। उस स्टॉक के बारे स्टॉक में सिर्फ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही हैं जो ट्रेड करते हैं और 12% की प्रोमोटर होल्डिंग है जो अभी तक कायम है, तो मतलब हम कह सकते हैं कुल 75% या 70% स्टेक जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है जो इस स्टॉक को ऊपर लेकर जाने में अब मुझे लगता है मदद जरूर करेंगे। और ये मुझे लगता है कि आने वाले एक साल के अंदर अंदर ये हमें अच्छे खासे इंडेसिवली रिटर्न्स प्रोवाइड करा सकता है। अगर हम बात करते हैं इस स्टॉक के नाम के बारे में तो वो है GSS इंफोटेक। तो जी हाँ, ये एक IT सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनी है GSS इंफोटेक। हमने देखा था कि 2008 में जो इसका प्राइस था वो 700 के आसपास था और फोर्ब्स 200 बिगेस्ट कंपनीज, एशिया की बिगेस्ट कंपनीज के अंदर इस कंपनी का नाम था, इस कंपनी का नाम बहुत फोर्ब्स के अंदर कंपनी के अंदर लिस्ट था, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसे बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं, ये बहुत सी IT सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी डील्स होती है उसे प्रोवाइड कराता है। हमने देखा था कि इसमें अच्छी खासी गिरावट आ गई थी, उसके बाद से जब इसका अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी बहुत इंडेसिवली लॉस ही शो कर रहा था, पर अब कंसिस्टेंटली 2017 से ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और हमने देखा है कि 2018 की स्टार्टिंग से इसका टेक्निकल ट्रेंड इतना मजबूत बन गया, सारे इंडिकेटर्स इसको बुलिश ही शो कर रहे हैं। पर अगर हम बात करें RSI इंडिकेटर की तो RSI इंडिकेटर में ये बीरिश सिंगल सिग्नल दिखा रहा है, पर सारे इंडिकेटर्स हमें बुलिश की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये चार्ट में कैसा शो कर रहा है, और ये बहुत इंडाइसिवली मूव दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी स्टॉक को पहचान नहीं पा रहा है कि हमें इसमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर निकलता है तो आप में इसको बाय करना है और बहुत अच्छे टारगेट्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर GSS का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा कि ये एक जो इसका सपोर्ट का काम कर रहा था 92.30 का, उसने आज इसने अपना हाई बनाया 92.40 का, इसने हाई बनाया आज और वहां से हमने इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी, और वो जो इस रेंज को क्रॉस करके निकला था उसके ऊपर ही इंडेसिवली उसने क्लोजिंग दी है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्टॉक है जो बहुत अच्छी मूव दे सकता है
इस रेंज के बाहर ये निकला था, हम कह सकते हैं कि 68-70 के रेंज के बाहर ये जैसी स्टॉक निकला था, हम कह सकते थे इसमें मोमेंटम वापस लौट के आ गई थी। डेली चार्ट में आपको इजिली शो नहीं करेगा, मैं आपको मंथली चार्ट में लेकर जाता हूं। और यहां पर आप देखिए मंथली चार्ट के अंदर ये एक क्लियर ब्रेकआउट इसने दिया है। आप यहां से देख सकते हैं कि ये इसने जो स्टार्ट करा था 2008 में, वहां से इसने गिरावट शुरू करी। जो इसका लेवल था 850-900 का लेवल, वहां से इसने गिरावट शुरू करी। और हमने यहां पर जो इसका लो बनते हुए देखा है वो हमने 2 रुपए तक का भी इसमें लो बनते हुए देखा है। तो अब मंथली चार्ट की बात करें तो ये मैंने मंथली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, ये देख सकते हैं इस रेंज के ऊपर नहीं निकलता था ये। यहां पर आप गौर करके देखिए इस रेंज के अपर साइड पे वो नहीं ट्रेड कर पाता था, यानी जो 50 का लेवल है। पर हमने देखा कि 50 के लेवल को इसने क्लोजिंग दी है और 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल था 55 के ऊपर, उसमें जब हमने क्लोजिंग आते हुए देखी थी तो हमने देखा इसी महीने के अंदर वो क्रॉस करके 82 तक के लेवल्स तक भी पहुंच गया। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें हर्डल कहां पर आ रही है। तो आप देख सकते हैं मैंने मंथली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और यहां पर 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो इसका हाई बना है उसके आसपास ही है। तो अगर ये इंडाइसिवली 3494 के लेवल को क्रॉस कर देता है और सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो हम कह सकते हैं इस महीने या अगले महीने के अंदर अंदर ही हम इसमें 125 से अबव तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो अपने इसने इस रेंज को तोड़ा है, हम कह सकते हैं ये जो आपको रेंज शो कर रहा है 38.2 यानी 60 के जो लेवल को इसने ब्रेक करा इंडाइसिवली, हम कह सकते हैं अब ये उस गिरावट में नहीं आएगा या अब इसमें शॉर्ट ज्यादा नहीं बनेंगे। और अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं कि इसमें बाइंग आज के दिन पे कितनी हुई है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको शो कर रहा होगा कि यानी 29,000 लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई है। और आप वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम बहुत कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, पर कोई भी एनालिस्ट इसको ट्रेड करते समय समझ नहीं पा रहा है कि ये मूव क्यों दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं आपको यहां पर एक और खास चीज दिखाना चाहता हूं स्टॉक के अंदर, मैं आपके लिए 3 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रहा हूं। तो आप 3 मिनट्स का जब ये चार्ट ओपन हो जाएगा तो अब आप यहां पर देखिए, अब आपको मैं वॉल्यूम चार्ट की तरफ लेकर बढ़ता हूं। तो आप वॉल्यूम चार्ट में देखिए कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर वॉल्यूम एडिशन बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम आरएसआई की बात करें तो इसमें अभी भी अपसाइड बाकी है और ये और ऊपर के लेवल्स आते टाइम दिखा सकता है। ये एक इंडिकेटर है चाइकेन एमएफ, जो बहुत अच्छे से मोमेंटम को पकड़ लेता है। और हम कह सकते हैं ये एक इंडिकेटर है जो मोमेंटम को पकड़ने में बहुत अच्छा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी इस स्टॉक के अंदर मोमेंटम बाकी है। हमने देखा है कि मंथली चार्ट के अंदर जो इसने अपना हाई बनाया है, जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का, शायद हम वहां से थोड़ी पुल बैक आते हुए देखे या हम डाउन साइड आते हुए देखे। और अगर इस स्टॉक में हम 2 दिन तक ऑब्जर्व करके रखेंगे, अगर ये इंडाइसिवली 94 यानी 10% की और मूव दे देता है और हम उस लेवल को क्रॉस करते हुए देखने को मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमें अच्छी खासी अपसाइड इसके अंदर आते हुए देखने को मिल सकती है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिल जाएगा 95-94 के अंदर अंदर। तो उसके ऊपर ब्रेक निकल जाता है तो हम वहां से स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से हम इसमें अपनी पोजीशंस बना के इंडाइसिवली प्रॉफिट ऊपर के लेवल्स में हम बुक कर सकते हैं। तो ये एक छुपा रुस्तम स्टॉक था जो मैंने आपके लिए चुन के लाया हूं। तो ऐसे और स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आते रहूंगा, ये सिर्फ मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में ही आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं। फंडामेंटली अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, तो हमें 1 साल के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी 2017 में इसने थोड़ी कंसिस्टेंटली मूव दिखाने शुरू करी है। तो हम कह सकते हैं कि अब इस स्टॉक को और अच्छे से मूव करना, अगर हम बात करें तो इसके बहुत से सेंटर्स बने हुए हैं, इसके बहुत से टाइप्स। अगर मैं आपको यहाँ पर इस कंपनी की वेबसाइट में लेकर जाता हूँ तो इस वेबसाइट पे आपको मैं यहाँ पर इस कंपनी के बारे में शो करूंगा, जीएसएस की प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके सेंटर्स हैं वो 9 ग्लोब के अंदर अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पर नॉर्थ ब्रुंचेंस, हैटफोर्ड, डुबलिन्स, हैदराबाद, दुबई, बहुत से अलग अलग सेंटर्स इसके खुले हुए हैं अलग अलग ग्लोब के अंदर। तो बहुत से एक्विजिशंस इसने 2006 के से लेकर 2017 के अंदर अंदर तक करें, बहुत बढ़िया कंपनी है ये। पर जिस तरीके से ये प्राइवेट कंपनी है तो इसमें गिरावट भी जो हम कह सकते हैं बहुत इंडाइसिवली आती है। तो हम कह सकते हैं कि अब ये एक स्टॉक है जो ऊपर के लेवल हमें आते टाइम में दिखा सकता है। तो स्टॉक को वॉच लिस्ट में जरूर रखिए और इसमें कोई मूव मिलती है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर कंफर्मेशन दे दूंगा इसको बाय करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को मैं ऐड नहीं हुए तो ऐड जरूर हो जाइए।
मैं यही वीडियो को वाइंड अप करता हूं, तो और नई इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस आप हर दिन मेरे वीडियो और मेरे चैनल पे पाते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आते रहूं। और मैं आज यानी आज नहीं तो कल के अंदर स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऐसे 5 स्टॉक्स लेकर आऊंगा जो आप 2 महीने के अंदर अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी आपको कुल 20% तक का अपसाइड उसमें मिल सकता है उन स्टॉक्स के अंदर। तो वो भी मैं आपके लिए चुन के ला रहा हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से इंडिकेटर्स और कौन से टूल्स आपको अपने चार्ट में रखने चाहिए, जिससे आप खुद एक स्टॉक की मोमेंटम को पता लगा पाए कि अब मुझे इस स्टॉक में एंटर होना है और ये 1 महीने के अंदर इतने रिटर्न मुझे आने वाले टाइम में दे सकता है। तो वो इंडिकेटर की मैं तैयारी कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे उसमें से प्रॉफिट हो सकता है और वो आपको फायदा दे सकता है। तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगा। तो वो वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, उसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूं आपसे कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।